डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा और ये मार्केट काफी रिस्की है, तो इसको अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। सबसे पहले जो न्यूज कवर कर रहे हैं वो है यहाँ पर क्रिप्टो लैंडिंग फॉर्म सेल्सियस की। तो सेल्सियस नेटवर्क ने यहाँ पर $400 मिलियन जो है वो रेज किए हैं फंडिंग राउंड में। अब उनका जो सीईओ है जो सेल्सियस के, उनका कहना है कि भाई ये पैसे ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं, इसके लिए क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ती है। क्रेडिबिलिटी मतलब अपनी वैल्यू बनानी पड़ती है, तभी आपके ऊपर इतना पैसा लग पाता है। अगर आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं और अगर बात करी जाए इस सेल्सियस के नेटवर्क की, तो ये क्रिप्टो लैंड करते हैं, मतलब आपको क्रिप्टो को एक तरीके से आपको यहाँ पर मैं कैसे समझाऊं आपको, दैट मींस कि वो जो अपना फैसिलिटीज जो दे रहे हैं उसमें, तो अगर आप उनके पास क्रिप्टो रख रहे हैं तो वो आपको क्रिप्टो के ऊपर प्रॉफिट दे रहे हैं कि आपने उनके पास अपना क्रिप्टो दिया। जैसे कि आप ये लगा लीजिए कि लोन पर आप पैसा देते हैं और उसके ऊपर आपको लोन पे ब्याज मिलता है, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर आपने क्रिप्टो दिए इनको अपने और इन्होंने आपको उसके ऊपर रिटर्न दिया। तो ये जो यहाँ पर अगर बात करी जाए इस फर्म की, तो इस फर्म ने काफी बहुत बढ़िया जो अपना रिफंड्स तो नहीं रिटर्न्स जो है वो दिए हैं अपने कस्टमर्स को, तो इस वजह से इसकी काफी बढ़िया मार्केट वैल्यू जो है वो बनी हुई है। और इसी वजह से उनका कहना है कि भाई हमें और ज्यादा यहाँ पर पैसा जो है वो मिल रहा है, अगर हम इतना प्रॉफिट कमा कर दे रहे हैं लोगों को, तभी हमारे ऊपर भी यहाँ पर पैसा लगाया जा रहा है कि हम अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सके। तो इसमें उन्होंने $400 मिलियन जो है उनको फंडिंग मिली है। अगली बात करें रिपल की, तो रिपल और नेलनेट इन दोनों ने मिलकर एक $44 मिलियन का फंड जो है वो लगाया है कार्बन नेगेटिव क्रिप्टो इंडस्ट्री करने के लिए। तो अब वो ये कैसे कर रहे हैं, वो इसको कर रहे हैं कि उन्होंने जो सोलर एनर्जी है उसको बनाने के लिए यहाँ पर अक्रॉस जो यूएस है उसके लिए उन्होंने पूरा का पूरा एक रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, सोलर एनर्जी के लिए अपना जो एक सेटअप है वो लगा रहे हैं। तो अब अक्रॉस यूएस से वो ये सारी सोलर एनर्जी इकट्ठी करेंगे और उसको यूज करेंगे क्रिप्टो की माइनिंग के लिए। तो अब वो ये कह रहे हैं कि भाई हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हम अपने आप को जो कार्बन न्यूट्रल है वो बनाएंगे रिपल को, तो इसी वजह से यहाँ पर ये जो प्लानिंग है वो की जा रही है। और इससे हम ये भी एक जो इंफॉर्मेशन है वो देना चाहते हैं ग्लोबल लेवल पे कि भाई अगर कोई भी क्रिप्टो के रिलेटेड कंपनी है तो वो सर्वाइव कर सकती है कार्बन न्यूट्रल होने के बाद भी। तो इसी वजह से उन्होंने ये टाई अप किया है और ये पूरा सेटअप वो करने जा रहे हैं। तो इससे एक पॉजिटिव आउटलुक जाता है लोगों में रिपल का, क्योंकि रिपल की ऑलरेडी ऐसी से लड़ाई चली रही है, तो उसमें भी काफी जो पॉजिटिव आउटलुक है वो रिपल को मिल रहा है और यहाँ पर वो कार्बन न्यूट्रल भी हो रहा है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि भाई क्रिप्टो कार्बन न्यूट्रल नहीं हो सकता है। अगली न्यूज यहाँ पर blockchain.com एक्सचेंज के ऊपर, तो वहां पर उन्होंने बिटकॉइन के मार्जिन ट्रेडिंग जो है उसको स्टार्ट कर दिया है 5x लेवरेज के साथ। तो 5x लेवरेज के साथ अब आप क्रिप्टो बिटकॉइन की जो मार्जिन ट्रेडिंग है वो कर सकते हैं blockchain.com के ऊपर। यहाँ पर 150 कंट्री में blockchain.com जो है वो चलती है। अब उन सारी कंट्रीज 150 कंट्रीज के जो यूजर है वो अब अपनी मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगली न्यूज यहाँ पर बात करें इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टो प्रोडक्ट्स की, तो जैसे कि हम लगातार बात करते आए हैं कि भाई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपनी मनी डाल रहे हैं क्रिप्टो के अंदर, तो अब ये न्यूज बता रही है कि भाई $225 मिलियन जो बिटकॉइन प्रोडक्ट्स में लगे हैं, तो इस वजह से जो इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है बिटकॉइन में वो लगातार बढ़ रहा है। अगर बात करें इस वीक की, तो इस वीक में ही करीब 200 से ऊपर का परसेंटेज जो है वो 227% जो है वो बढ़ा है बिटकॉइन के प्रोडक्ट्स में इनफ्लो जो हुआ है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की मनी का, तो ये काफी बड़ी अमाउंट है जिसमें $226 मिलियन जो है वो ऑलरेडी इस वीक में लग चुके हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बिटकॉइन के प्रोडक्ट्स में। और वहीं अगर बात करें ऑल्टकॉइंस की, तो ऑल्टकॉइंस के बारे में कहा जा रहा है कुछ एक ऑल्टकॉइन ऐसे हैं जिनमें ये जो वैल्यू है एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो बढ़ा है, लेकिन कुछ एक ऐसे हैं जिनमें कम भी हुआ है। जो बड़े हैं उनकी अगर बात करी जाए तो उनमें सोलाना है और कार्डानो का एडा है, और अगर वो बात करी जाए जिनमें पैसा कम हुआ है तो उसमें पोलकाडॉट का डॉट है और ईथर भी है और XRP भी है। तो ये ऐसे हैं जिनमें थोड़ा फंड कम हुआ है, इनफ्लो कम हुआ है और आउटफ्लो ज्यादा हो गया है, और सोल और एडा ऐसे हैं जिनमें इनफ्लो बढ़ गया है। अगली न्यूज की यहाँ पर बात करें, तो अगली न्यूज के अकॉर्डिंगली अब FTX जो है वो भी अपना मार्केट NFT मार्केट प्लेस एक्सपैंड कर रहा है थोड़ा सा, और अब वो सपोर्ट कर रहा है सोलाना के टोकन्स को भी, और सोलाना के टोकन्स को सपोर्ट करने के बाद उनका प्लान रहेगा कि वो ईथर के टोकन्स को भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अभी तक के लिए उनका जो मेन जो बेस टोकन है वो चल रहा है, और उसी के साथ साथ जो NFT मार्केट प्लेस के अंदर का टोकन है वो चल रहा है, और अब उन्होंने सोल का जो टोकन है अगर बात करें स्पेसिफिकली सोल की, तो सोल उन्होंने यहाँ पर एड ऑन कर दिया है, और सोल के साथ साथ ईथर भी एड
डबल हो चुका है, लेकिन अब जो सोल के ऊपर बाकी के टोकन बेस्ड जो सोल के ऊपर बने हुए हैं वो भी अब धीरे धीरे एडअप होंगे और इथेरियम के टोकन भी धीरे धीरे एडअप हो जाएंगे उनके एनएफटी मार्केट प्लेस में। इससे उनको यहाँ पर काफी सारी एक तरीके से एक वाइड रेंज ऑफ जो टोकन है वो मिल जाते हैं जिसके ऊपर प्लेस जो है वो अपनी मिंटिंग कर सकते हैं एनएफटी की। तो बेटरमेंट के लिए अपने जो मार्केट प्लेस है उसकी, तो ये सपोर्ट जो है वो आ रही है एफटीएक्स की तरफ से। अगली न्यूज यहाँ पर, यूनाइटेड मास्टर्स जो है उन्होंने पार्टनर किया है कॉइनबेस के साथ, वो अपने जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको क्रिप्टो में पेमेंट करेंगे। अब वो पार्शली लेना चाहें या पूरी की पूरी क्रिप्टो में लेना चाहें या कुछ भी वो क्रिप्टो में ना लेना चाहें, ये उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इससे अब कहा यह जा रहा है कि जो कंपनीज हैं वो भी अब आगे आ रही हैं और अपने इम्प्लॉयज को क्रिप्टो में ही पेमेंट दे रही हैं और जितनी भी एक्सचेंजेस हैं हर एक एक्सचेंज के साथ वो अपनी टाई अप जो है वो कर रही हैं सो दैट कि वो क्रिप्टो में पेमेंट्स को डिसबर्स कर सकें। अगली न्यूज यहाँ पर कॉइनबेस से ही, कॉइनबेस भी अब अपनी एनएफटी मार्केट को लॉन्च करने जा रहा है बहुत जल्दी। और अगर आप उनकी साइट पर जाते हैं कॉइनबेस की साइट पर, तो वहां पर आप अभी एट प्रेजेंट उनकी वेट लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब अगर आप उसकी वेट लिस्ट में ज्वाइन होते हैं तो जैसे ही एक्सेस मिलना स्टार्ट होगा कॉइनबेस की एनएफटी मार्केट प्लेस का, तो वो आपको उसमें सबसे पहले मिल सकता है अगर आप ज्यादा से ज्यादा रेफरल करते हैं। तो अगली न्यूज की बात करें तो पॉलीगन की डेली ट्रांजेक्शन जो है वो उनमें 50% का यहाँ पर गिरावट देखा गया है, गिरावट देखी गई है 50% की। उसका रीजन क्या रहा है, उनकी गैस फीस हाइक। तो गैस फीस हाइक उन्होंने यहाँ पर करी थी कि वो चाहते थे कि भाई जो भी यहाँ पर जो एक तरीके से अटैक्स हो रहे थे, जो हैकिंग के अटैक्स हो रहे थे, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर उन्होंने ये स्पैम अटैक्स को रोकने के लिए उन्होंने ये फीस हाइक करी थी। लेकिन इसका जो एक तरीके से जितनी भी कम्युनिटी है पॉलीगन मैटिक की, उनकी तरफ से इस स्टेप को जो है वो काफी तरीके से खारिज कर दिया गया कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे लोगों की फीस इतनी बढ़ गई है कि वो अब अच्छे से ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर वही ट्रांजेक्शन को इथेरियम पे कर रहे थे हाई फीस देके और वो आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर भी कर रहे हैं, तो उनको बेनिफिट क्या होगा आपके प्लेटफॉर्म पे आने का। तो इस वजह से मैटिक में अभी थोड़ी सी गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की न्यूज अपडेट। आपको न्यूज अपडेट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया अभी तक, और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो मिलेंगे अब आपसे अगले न्यूज अपडेट। साल 2009 जनवरी की है बात, क्रिप्टो करेंसी की नई शुरुआत, दुनिया अनजान थी, था कितनों को ज्ञानी के बिटकॉइन फेर देगा पूरा इतिहास।